शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क ऑटो सेवा शुरू की गई, जिसके बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अधिक जानकारी साझा की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आम जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही इस वक्त वो बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से गरीब और जरूरतमंद कोरोना रोगियों के लिए मदद का हाथ बढ़ा है। आम आदमी पार्टी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरत के दौरान रोगियों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने मुफ्त ऑटो सेवा शुरू की है, जिस बारे में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अधिक जानकारी साझा की। आम आदमी पार्टी नागपुर तरफे आज या मेडिकल चौकात आम आदमी पार्टी नागपुर तरफे 2 ऑटो निःशुल्क सेवा या कोरोना महामारीत आम आदमी पार्टी तरफे केली जात आहे। आणि या कोरोना महामारीत तुम्हाला माहितच आहे का गरीब जनतेचे काय हाल होतं आणि या गरीब जनतेचे काय हाल होतं आणि त्याच्यातच आम आदमी पार्टीकडून नेहमी काही ना काही मदत होतच राहते। आता आम आदमी पार्टीकडे 40 ऑक्सिजन सिलेंडर अवेलेबल आहेत, तसेच आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर प्रत्येकांना बेड वगैरे जमवून देणं सुरू आहे आणि त्यातच आता हे 2 छोटे ॲम्ब्युलन्स म्हणजे 2 ॲटो सर्व्हिस आपण मेडिकल चौकातून सुरू केली आहे। आज या मेडिकलमध्ये आपण हे 2 ॲटो उभे करून इथे कोणत्याही रुग्णांच्या नातेवाईकांना हाल अपेष्ट सहन होणार नाही त्यासाठी म्हणून हे 2 ॲम्ब्युलन्सची आपण व्यवस्था केली आहे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी द्वारा आज सारे कार्यकर्ता हम लोग मेडिकल के परिसर में आए हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से 2 निःशुल्क ऑटो टैक्सी ऑटो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ऑटो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है जो कि नागपुर के अंदर में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास में ये सुविधा नहीं है कि वो एम्बुलेंस के पैसे दे पाए या एम्बुलेंस की कालाबाजारी से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज निःशुल्क ऑटो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी का एक हेल्पलाइन नंबर इसके अंदर में जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, जिसका नंबर है 9545077222। वापस मैं रिपीट करता हूँ, 9545077222। यह हेल्पलाइन नंबर है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार की जो सुविधा आपको जारी है, चाहे दवाइयों का विषय हो, चाहे बेड का विषय हो, चाहे आपको एम्बुलेंस का विषय हो, साथ ही साथ में रेमडेसिविर का विषय हो या उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर का विषय हो, सैनिटाइजर का विषय हो, कुछ भी विषय है, कुछ भी दिक्कत जारी है, तो इस नंबर पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं, अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की यह सारी सुविधाएँ, किसी भी प्रकार से पैसा इसमें नहीं लिया जाता है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। आप सभी लोगों से विनती है कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में इस सुविधा का लाभ उठाएं और जितनी भी समस्या, अगर आपको समस्या नहीं है तो आपके आस पड़ोस के व्यक्ति से ये कहे, उसको ये कहे कि ये सारी समस्या को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की हेल्पलाइन नंबर का सुविधा ले, उसका लाभ ले। हमारे साथ में जो यहाँ पर टैक्सी वाले जो भैया है, जो ऑटो जो चलाएंगे ये भी है, इनकी भी सुरक्षा का पूरा ख्याल आम आदमी पार्टी द्वारा रखा गया है। एक काफ़ी ठीक तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने में ऑटो की व्यवस्था जो है पूरा सैनिटाइज ऑटो है, किसी भी प्रकार की गंदगी या दिक्कत का कोई भी काम इसके अंदर में नहीं है। सारी की सारी सहूलियत का ध्यान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा लिया गया है, हम लोगों के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र वानखेड़े, जगजीत सिंह, अशोक मिश्रा, प्रभात अग्रवाल, पीयूष एकरे, बाबा मिंदे, गिरीश, संजय अंसनी, प्रतीक बावनकर, कृतिल एकरे और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।